भैया हमारे घर का तो रास्ता आ गया, हम चलते हैं। चलो होली है। मस्त हूँ मैं होली की मस्ती में, उड़े गुलाल बस्ती में, मस्त हूँ मैं तो। अरे घर जाओ भैया, होली खत्म होगी, जाओ। मस्त है हम तो। ये नील बात का रहस्य समझ में नहीं आ रहा है। 3 साल में 3 मौत, वो भी होली के दिन। क्राइम सीन से विक्टिम के घर का सिलबट्टा मिला है और मौत सिर पे बट्टा मारने से हुई है। तो किसी ने विक्टिम के घर में घुसकर उसके किचन से सिलबट्टा चुराया, फिर एक सुनसान जगह पर उसको पकड़कर उसकी हत्या कर दी और फिर अंधेरे में गायब हो गया। क्या लग रहा है, कोई अल्टरनेट थियोरी है तुम्हारे पास? अभी तक तो नहीं। क्राइम सीन से ना कोई फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, ना कोई आई विटनेस, लेकिन तीनों की मौत एग्जैक्टली सेम तरीके से हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपनी छाप या सिग्नेचर छोड़ रहा है। गांव छोटा है तो लोग ज्यादातर अंधेरे के बाद घर में ही रहना पसंद करते होंगे, और फिंगरप्रिंट्स तो मिटाए भी जा सकते हैं। ताज्जुब की बात है कि गांव वालों का कहना है कि मौत के दौरान सिलबट्टे की आवाज पूरे गांव में गूंजती है। क्या कोई सिलबट्टे की आवाज लाउडस्पीकर पे चलाता है? विक्टिम्स राजू सिंह, बिरजू चौधरी और किशन चंद, तीनों के बीच में और कोई भी कनेक्शन नहीं। कनेक्शन तो ऑब्वियसली आदिति, या तो दोष पुलिस की जांच में, या फिर किसी ने जानबूझकर कुछ चीजों को नजरअंदाज किया है। आखिर भूत को दोष देना काफी आसान है, ना तो उनका स्टेटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है और ना ही उन्हें एविडेंस में पेश किया जा सकता है। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम। जय हिंद। राका सामान निकालो इनका। जी। राजेश दीक्षित, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तुम ही हो? यस सर। सर रास्ते में आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर, आप लोगों के ठहरने के लिए यहाँ एक घर का बंदोबस्त किया है। घर? जी सर। यहाँ पर कोई लॉज या होटल नहीं है? इस गांव के आसपास 100 किलोमीटर तक कोई भी होटल या लॉज नहीं है। आप मैडम जी बिल्कुल सही कह रही हैं। छोटा सा गांव है, अब कौन यहाँ होटल बनवाएगा? आप हमारी गांव की मुखिया है ना फूलवंती देवी, उन्होंने अपना घर दिया आप लोगों के रहने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर है ना आप लोग सेवा करने के लिए। वो पिछले 2 विक्टिम्स की तरह किशन चंद के ब्लड में भी भांग के ट्रेसेस मिले? ऑटोप्सी रिपोर्ट तो आई होगी? सर अभी तक तो रिपोर्ट आई नहीं है, पर मैंने मेल करने को कहा है। अब तक आनी चाहिए थी। पता नहीं कैसे काम करते हो आप लोग यहाँ पे। इस घर में इतनी ठंड क्यों है?
अब मैडम गांव की हवा है, किसी किसी को ही भाती है। ये गांव की मुखिया कहाँ मिलेगी? सर वो गांव के लोगों के साथ बरगद के पेड़ के नीचे सिलबट्टा अर्पित करने गई है ताकि भूत को रोका जा सके। अदिति मैं बाद में मिलता हूँ, चलिए वहां पर। मैडम क्या है, जिसका नंबर होता है ना सिलबट्टा भी उसी का होता है और उसी की रसोई का होता है। क्या पता किसकी कुंडली में कब मौत लिखी हो। क्यों, तुम्हारे घर का सिलबट्टा कहाँ है? अरे मैडम जी गई है हमारी घरवाली बरगद के पेड़ के नीचे रखने के लिए। तो मैडम जी आप बढ़िया आराम कीजिए, हम आपके लिए बढ़िया चाय नाश्ते का इंतजाम करके आते हैं। राखा जी अगली बार मिलो तो वर्दी ठीक होनी चाहिए। सॉरी मैडम, पंखे का बटन वहां पे। चलिए रखवाई। मुखिया जी जो ये अंधश्रद्धा का बखेड़ा खड़ा कर रही है, कहीं इससे गांव को फायदा कम और हानि ज्यादा ना हो, आपको क्या लगता है? सर ये तो नहीं कह सकता, पर फूलवंती देवी जी का यहाँ लोग बहुत सम्मान करते हैं, सभी उनका कहना मानते हैं। सर भूत में विश्वास करते हैं आप? हाँ सर। नहीं नहीं सर, भूतों से तो मेरा कभी पाला ही नहीं पड़ा सर। विक्टिम्स की फैमिलीज के साथ आपने पर्सनली पूछताछ की थी? सर उन तीनों का मर्डर होली वाले दिन हुआ था, उस दिन मैं छुट्टी पे था सर। कांस्टेबल राका ने उनका स्टेटमेंट लिया है सर। बयान के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? विक्टिम्स में कोई कनेक्शन, एक साथ काम करते थे, जानते थे एक दूसरे को? नहीं सर बिल्कुल नहीं सर। हाँ तहकीकात करने पर यह पता चला कि सर वो जो दो लड़कों का मर्डर हुआ था वो बड़े ही निकम्मे मजदूर थे, उन्हें कोई मजदूरी जो मिली तो कर लेते थे, और उनके मर्डर से किसी को कोई फायदा नहीं था सर। मर्डर से फायदे के लिए किए जाते हैं, किसने कहा आपसे? और ये किशन सिंह? वो अच्छा आदमी था सर। हमेशा छोटी छोटी बारीकियों में बड़े बड़े राज छुपे होते हैं, याद रखिए। सर नमस्ते सीपी साहब। नमस्ते, हमारे रहने का इंतजाम करने के लिए शुक्रिया जी। ये तो हमारा फर्ज था। एसीपी साहब इस मामले की तहकीकात के लिए आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो हमें बताइए, हम जरूर करेंगे। ये रुक्मिणी है। नमस्ते। इसी की पति की हाल ही में हत्या हुई है, आपको इनसे कुछ भी पूछताछ करनी है तो कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। शुक्रिया। रुक्मिणी जी मैं आपसे पर्सनली कुछ सवाल करना चाहता हूं, तो आप यहां पर बात करना चाहेंगी या फिर पुलिस स्टेशन आना पसंद करेंगी? जी आपको जो भी पूछ रहे हैं आप यही पूछ लीजिए। ठीक है। जिस सिलबट्टे से आपके पति की मौत हुई थी वो आपके घर का ही था? जी वो हमारे घर का था। कब गायब हुआ था? जब हम सुबह उठे तो देखा तो वो घर पे नहीं था सिलबट्टा। उस दिन जब आपके पति घर से बाहर निकले तो आपके बीच कोई झगड़ा हुआ था या किसी बात को लेकर अनबन? जी नहीं, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था। पिछली रात को भी नहीं? नहीं। और वो जब घर से निकले थे तो भांग पीकर निकले थे या बाहर जाकर पी उन्होंने? नहीं वो घर से पी के नहीं निकले थे। अच्छा, तो घर पे कभी भी पीते नहीं थे? वो कभी कभार पी लेते थे बस। अक्सर नशा करते थे वो? नहीं कभी कभार कर लेते थे। काफी छोटा गांव है आपका, पिछले 2 सालों में जो 2 हत्याएं हुई होली के ही दिन, उन दोनों को तो जानते होंगे ना आपके पति? जी नहीं कोई खास जान पहचान नहीं थी उनसे, बस खेत पे काम करने के लिए कभी कभार उनको बुलाते थे। अच्छा तो आते थे? हाँ जी। अक्सर आपके घर भी आया करते थे? नहीं जब वो खेतों में काम करने आते थे कभी कभार तो घर आ जाते थे। दोस्त थे उनके? जी नहीं। ठीक है आप जा सकती हैं। नमस्ते। तीनों विक्टिम्स एक दूसरे को जानते थे। दीक्षित मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, इस केस को सॉल्व करने में छोटी छोटी बारीकियां बहुत मायने रखेंगी। अगला विक्टिम इनकी जान पहचान का भी हो सकता है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर।
अरे राम जी, बहुत देर हो गई। ये लीजिए मैडम जी, बढ़िया गर्मा गर्म चाय। पर लल्लन के समोसे पूरे गांव में वर्ल्ड फेमस है। थैंक यू राखा जी। वैसे इस फूलवंती देवी के परिवार में और कौन कौन है? मैडम जी बहुत लंबी कहानी है। वैसे एक बात बताएं आपको, फूलवंती जी के खानदान में कोई भी नहीं बचा हुआ, अब तो पूरा गांव ही उनका परिवार है। मैडम अब हम जाएं? वो क्या है ना कि डर तो हमको भी लगता है, रात भी काफी ज्यादा हो गई है और मैडम हमारा घर भी बहुत दूर है, इसलिए। ठीक है जाइए जी, पर सुबह 9 बजे आ जाना। हाँ जी। मुझे सारे विक्टिम्स की फैमिली से मिलना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पक्का आ जाएंगे। जय हिंद। किस्मत लिखती मेरी सिलबट्टे से, दोस्त बन गए दुश्मन, गाड़ी रुको, वो छोड़कर भाग गई। किस्मत लिखती मेरी सिलबट्टे से, सिलबट्टे से। कौन है बेटू? जंगल के बीच क्या कर रहा है? सिपाही। तुम जानते हो उसे? नहीं सर। चल आ जाओ। इस गांव का सिग्नल भी ना। विक्रांत, नमस्कार, मैं फूलवंती देवी। नमस्ते। आप लोगों के लिए मैं खाना लेकर आई। धन्यवाद, लेकिन आपने क्यों तकलीफ की? मेहमानों के लिए कहाँ तकलीफ, लीजिए। अच्छा हो आप आगे, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी, बैठिए ना। आप इस सिलबट्टे के भूत की कहानी को मानती है? मैडम जी, हमारे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है, लोग तो वही मानेंगे ना जो उन्हें मानना है। मतलब आप इस कहानी पे विश्वास नहीं करती, तो फिर ये पूजा रखवाना और ये सब? मैडम जी, अगर एक पूजा रखवाने से गांव के लोग रात को शांति से सो सकते हैं, तो मुझे ये पूजा रखवाने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैडम जी, ये गांव मेरे लिए सब कुछ है और इस गांव की शांति के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फूलवंती जी, लगातार 3 साल से होली की रात हत्याएं हो रही है और इस गांव के लोगों के बयान के मुताबिक वारदात के वक्त एक सिलबट्टा टकने की गूंज सुनाई देती है। क्या आपने वो आवाज सुनी है? हमारे बचपन में हमारी दादी हमें एक कहानी सुनाती थी, जल्दी से सो जाओ नहीं तो सिलबट्टे का भूत आ जाएगा, और अक्सर सिलबट्टा टकने की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन बड़े होने के बाद पता चला
ये तो पत्थर को काटने वाला एक कीड़ा मोगरी की आवाज है। लेकिन हत्याएं भी तो हो रही है। देखिए, कोई तो है जो ये सिलबट्टे के भूत की कहानी के आड़ में गांव में दहशत फैला रहा है। देखिए मैडम जी, आप दोनों ही हमारे गांव की आखिरी उम्मीद है। आपको इस मामले को सुलझाने के लिए किसी भी तरह की जरूरत है तो हम और हमारा गांव हमेशा आपको सहयोग देगा। धन्यवाद फुलवंती जी। मैंने सुना कि आप अकेली रहती हैं, आपका परिवार? पति तो पहले ही गुजर चुके हैं और मेरा बेटा, उसे मैं खो चुकी हूं। आज्ञा दीजिए। इतनी जल्दी कहां गायब हो गया होगा? इस वक्त ढूंढने में कोई फायदा नहीं है, कल सुबह वापस ट्राई करते हैं। चलो ना जा रहे हो घर जब मेरा जब तेरे अंदर है ना तू मेरा जहर ओके क्या गाड़ी को हे भगवान। सर ये तो राका है। जिंदा है? नहीं सर। वो आवाज किसी ने लाउडस्पीकर पे नहीं बजाई, मेरे सिर्फ कान ही नहीं मेरा सर फट रहा था और हर तरफ से आ रही थी वो आवाज। थी तो सिलबट्टे की, राखा की डेड बॉडी मुझे जहां पर मिली वहां से कुछ ही दूरी पर मैंने एक पागल से जंगली आदमी को देखा, वो भी सिलबट्टा सिलबट्टा ऐसे बड़बड़ा रहा था। कल सुबह एक सर्च टीम असेंबल करता हूं, अकेला आदमी है जंगल के बीचों बीच, मिल जाएगा। फूलवंती देवी आई थी मिलने। क्या कहा उसने? वो इस सिलबट्टे के भूत की कहानी को नहीं मानती है, सिर्फ गांव वालों की खुशी के लिए पूजा पाठ कर रही है। एक और बात विक्रांत, मुझे एक 7-8 साल का लड़का दिखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन मैं उससे कुछ पूछूं उससे पहले वो गायब हो गया। तीनों विक्टिम्स एक दूसरे को जानते थे, अगला विक्टिम भी उनकी जान पहचान का ही होना चाहिए और अगला विक्टिम राखा है। ये इन्वेस्टिगेशन वॉचटॉप नहीं है आदिति, दोष सिर्फ पुलिस की जांच में नहीं है, राखा ने जानबूझकर कुछ चीजों को नजरअंदाज किया। ये सारी मिसिंग रिपोर्ट फाइल सही ढंग से क्यों नहीं रखी है? कौन हैंडल करता है इसे? मैडम ये सब कांस्टेबल राखा की जिम्मेदारी थी। राखा कब से काम करता था वो यहाँ पे? इस होली उसे 8 साल हो जाते। ये सब ले जाओ और पिछले 5 साल की मिसिंग रिपोर्ट फाइल्स ले आओ। जी। Thank you.
क्या नाम है आपका? चिंटू। यहाँ पर अकेले अकेले खेल रहे हो कंचे? नहीं, मेरा दोस्त है ना बच्चू। बच्चू? हाँ। वो आपके साथ यहाँ पे कंचे खेल रहा था? हाँ, वो कंचे भी खेलता है, स्कूल में भी आता है, उसी ने मुझे ये सब खेलना सिखाया। अभी कहाँ है बच्चू? उधर। दीक्षित सर, दो कांस्टेबल्स को लेके तुम उस तरफ जाओ, हम यहाँ पे चेक करते हैं। श्योर सर। और जैसे मिले फोन करना। ओके सर, चलो। गई सर? कहीं नहीं मिला, ये पूरा इलाका ढूंढ लिया सर हमने। ढूंढ नहीं पाओगे, वो भाग गई बहुत दूर। उतरो इसे नीचे उतरो। और पता चला है कि वो फूलवंती देवी का बेटा है। फूलवंती देवी का बेटा? अरे मैडम आप, हमारे बेटे सरजू को ढूंढने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप लोग उसे इस तरह से यहाँ पे पकड़ के नहीं रख सकते हैं। हम उसे यहाँ से ले जाने आए हैं। सरजू कहीं नहीं जाएगा, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता वो हमारे शक के दायरे में है। और किसी ने भी टांग अड़ाने की कोशिश की तो वो भी अंदर जाएगा। हम टांग कहाँ अड़ा रहे हैं, और आज तक हमने आपको हर तरह से सहयोग दिया है। और उम्मीद करते हैं कि अब भी देंगे। हाँ देंगे, लेकिन सरजू वो तो पागल है, उसने किया क्या है? फूलवंती जी, आपने कहा था कि आपने अपने बेटे को खो दिया, आपने मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई? हमने झूठ तो नहीं कहा। एक अच्छा खासा बेटा जब पागल हो जाए, घर छोड़कर भाग जाए, तो और क्या कह सकते हैं? इसका मतलब वो पहले से पागल नहीं था? सरजू पागल कैसे हुआ? सर जी, सरजू की बीवी घर से भाग गई थी, उसके बारे में फूलवंती जी बात करना पसंद नहीं करती हैं। सरजू इनका अकेला सहारा था। सरजू की बीवी भाग गई थी? आप लोगों की पूछताछ जब खत्म हो जाए तो हम सरजू को यहां से लेके जाएंगे। चल बता सब कुछ।
सच सच बता। सिपाही सिपाही, हाँ सिपाही, मैं सिपाही, ये सिपाही, ये भी सिपाही, तू भी सिपाही है ना? सिपाही 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 हमेशा सब कुछ सच सच बता दे। सच नहीं, झूठ है। क्या झूठ है? झूठ में सच है। झूठ में सच है। राजू, बिरजू, राखा, जानता है उन्हें? दोस्त है तेरे? हाँ, दोस्त है तेरे? दोस्त, दोस्त। राजू, बिरजू, राखा दोस्त है तेरे? ना ना, दोस्त नहीं, दुश्मन, दुश्मन। राजू, बिरजू, राखा पहले दोस्त थे, बाद में दुश्मन बन गए? क्या किया उनके साथ? क्या किया उनके साथ? मारा तूने उन्हें? नहीं। फिर किसी और को देखा मारते हुए? नहीं, वो घिस घिस कर सिलबट्टे से, सिलबट्टे से मारा? नहीं नहीं, चटनी बनाई, चटनी चटनी टमाटर की, धनिया की। अच्छी लगती है तुझे? पसंद है मेरे को चटनी। पसंद है? हाँ, मेरे को पसंद है। और किसको पसंद है? और किसको पसंद है चटनी? भूत को। और बीवी? बीवी है दिल में? बीवी दिल में है तो है। कहाँ गई? भागी नहीं ना? है अभी? है? कहाँ है? कहाँ है? ग्रैन गया, ग्रैन, ग्रैन, वो बच्चू। जा, चल चल जा, जा ले जा। बच्चू विक्रांत, जिस लड़की के बारे में मैंने तुम्हें बताया था उसका नाम बच्चू है। तुम्हें कैसे पता? बस मैं जानती हूँ। दोबारा रिकॉर्डिंग प्ले करो। राजू, बिरजू और राखा के नाम पे उसने कहा कि दोस्त दुश्मन बन गए, यानी कि वो इन तीनों को जानता था। और वो ये भी जानता है कि इनकी मौत बट्टे से हुई है। ये सरजू का इन हत्याओं से डेफिनेटली ताल्लुक है। सरजू ने तो हमारे सारे सवालों के जवाब दे दिए। अब गांव वालों को और फुलवंती देवी को काफी सवालों के जवाब देने हैं। बच्चों, आपके स्कूल में पढ़ता था? जी हाँ, मेरे स्कूल में पढ़ता था। आप मुझे उसके बारे में और कुछ बता सकते हैं? बच्चू सरजू और कजरी का बेटा था, और वो लोग स्कूल के बाद मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए भेजा करते थे। कजरी वाकई सुंदर थी और सरजू उसे बेहद प्यार करता था। गांव वाले कहते थे कि बच्चलन थी, शायद किसी के साथ भाग गई। भाग गई? सुनने में तो यह भी आया है कजरी भाभी के गांव का एक लड़का था कैलाश, उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा था, शायद उन्हीं के संग भाग गई हो। साहब, हम भी एक बार देखे थे, किशन भैया ने सरजू भैया को सच दिखाने की बहुत कोशिश की, पर कितना मारे किशन भैया को सरजू भैया ने। उसका दोस्त है, यार नहीं, समझो ना। सरजू भैया उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक वो थी जो भागने की फिराक में थी। फुलवंती देवी ने कुछ किया नहीं? सरजू भैया को कजरी के बारे में कोई कुछ भी नहीं बोल सकता था, वो भी नहीं, उल्टा उसकी वजह से दोनों माँ बेटों में बोलचाल बंद हो गई थी। हाँ विक्रांत। हाँ अदिति, कहाँ हूँ? विक्रांत, मैं फुलवंती देवी के घर के बाहर हूँ, लेकिन यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अरे, मुझे थोड़ी देर पहले दीक्षित का कॉल आया था, ये फुलवंती पुलिस स्टेशन पे फिर से कोई हंगामा खड़ा कर रही है, मैं वही जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी पहुँचती हूँ।
बच्चू। बच्चू, बच्चू क्या है यहाँ पे? हाँ दीदी। मैंने बच्चू को फिर से देखा, वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कजरी कभी गांव छोड़कर गई ही नहीं थी? इसका मतलब शायद मुखिया ने हमसे झूठ बोला। तुम जल्द से जल्द पुलिस चौकी आ जाओ, फुलवंती यहीं पर है। वर्दी क्या पहन लिया आपको ये लगने लगा क्या? मुखिया जी प्लीज। अब हम बताएं हम क्या कर सकते हैं? बताइए सर, क्या कर सकते हैं आप? देखिए एसीपी साहब, हम आपसे बहस नहीं करना चाहते हैं, बस इतना ही चाहते हैं कि अभी के अभी आप हमारे बेटे को छोड़ दीजिए। एसीपी क्या जल्दी है मुखिया जी, पहले आपसे थोड़ी बात तो कर ले। हमसे बात करना चाहते हैं आप? जी। क्या बात करना चाहते हैं आप? जानती हैं क्या बात करना चाहते हैं? लेकिन जानकर भी अनजान बन रही है। अनजान? इस गांव में सिर्फ 3 हत्याएं नहीं हुई हैं, 2 और हत्याएं हुई थी उससे भी पहले, होली की रात। लेकिन उस वक्त गांव में सिलबट्टे की आवाज नहीं गूंजी थी। याद आया? कजरी कहाँ है फूलवंती देवी? सारा गांव जानता है कजरी अपने बेटे को लेके गांव छोड़कर भाग गई अपने यार के साथ, और उसी की वजह से हमारे बेटे की ये हालत हो गई है। पागल बनाकर छोड़ दिया उसने। कल मुझे उल्टा कहीं की
सरजू के पैदा होने के 6 महीने बाद ही उसके पिता की मौत हो गई। फिर यही हमारी जिंदगी का सहारा था। दिन रात मां मां कहते हमारे आगे पीछे घूमता था। फिर अचानक एक दिन वो कजरी इसकी जिंदगी में आई। पूनम का चांद कहता था ये उसे। दिन रात मामा कहने वाला ये मेरा बच्चा मुझसे बात भी नहीं करता था। ये उसके प्यार में इतना पागल हो गया था कि हमारी मुखिया की गद्दी भी उसे देना चाहता था। अब माँ तुम इस उम्र में कहाँ दौड़ धूप करती फिरती हो। तुम्हें अब आराम करना चाहिए और ये मुखिया का पद किसी और को सौंप देना चाहिए। वैसे कजरी बीए पास है और मुझे लगता है कि वो ये मुखिया का पद अच्छे से संभाल सकती है। तुम्हें तो वो हमसे पहले ही छीन चुकी है, अब हमारा पद भी छीनना चाहती है। 4 किताबें पढ़ने से कोई मुखिया नहीं बन जाता है, और अगर उसे मुखिया बनना ही था तो वो हमसे बात कर लेती। तुम्हें उसकी चापलूसी करने की क्या जरूरत है? मैं नफरत हो गई थी उस कजरे के चेहरे से और उसकी जुड़ी हर चीज से। हम अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाए और होली होली रात। बच्चों क्या कर रहा है? मत गिरा, बाद में खेलेंगे ना। मुझे खाना बनाने दे पागल। अम्मा जी मुखिया बनना चाहती है। 4 किताबें क्या पढ़ ली, मुखिया बनने के सपने देख रही है? अरे 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाता था तुम्हारा बाप तुम्हें। अम्मा जी हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अब जाइए यहाँ से। तुम्हारी इतनी हिम्मत हमें हाथ लगाए, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अम्मा जी अरे हमने कजरी को मार डाला, अरे बच्चे उसने सब कुछ देख लिया था। अरे जल्दी खोद, अरे खोद यहाँ से, ओ उठा जल्दी से, किशन पकड़।
और कजरी के बारे में वो सारी अफवाहें? वो सब अफवाहें हमने सबको गुमराह करने के लिए फैलाए ताकि कोई हम पे शक ना कर पाए। दीक्षित सर, ले जाओ इन्हें, आप मेरे साथ चलिए। प्यार जताने से क्या फायदा फुलवंती जी, आप ही के परिवार की जान खा गया आपका प्यार। चलिए इसे भी ले आओ। जी तो जेल चली गई, अगली होली पे इनके घर का सिलबट्टा बरगद के पेड़ के पास कौन रखेगा? नहीं विक्रांत, मुझे नहीं लगता है कि अगली होली पे इस गांव में सिलबट्टे की आवाज गूंजेगी।